हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो फाइनली गणपति जी रेडी हो गए हैं, अब हम इसकी स्थापना करेंगे। तो ये एकदम शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ये फाइनली डेकोरेशन किया है, कलर किया है। तो अगर आप कलर कैसे किया, डेकोरेशन कैसे किया, कौन सी चीज़ मैंने यूज़ की, वो सारी चीज़ें मैं कल एक वीडियो में शेयर करूँगी। आज नहीं हो सकेगा वीडियो एडिटिंग, सो कल पक्का ये डेकोरेशन कैसे किया, किससे किया, ये सारी चीज़ें मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी गणेश चतुर्थी। और मेरी चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट बाय नीति को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कल ज़रूर विजिट करना। कल शाम तक डेफिनेटली इसका मैं वीडियो पार्ट टू अपलोड करूँगी। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड किया है, पार्ट वन में गणपति जी मैंने कैसे बनाए बेसिक उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये गणपति जी है वो फार्म की मिट्टी, खेत की मिट्टी से बनाए हैं। खेत की मिट्टी मैंने अपने घर के फ्लावर पॉट में रखी थी, तो वही फ्लावर पॉट में से मैंने मिट्टी निकाली और उसको क्लीन करके मैंने गणपति जी की मूर्ति बनाई। तो विसर्जन भी मैं ऐसे ही करूँगी फ्लावर पॉट में। तो इको फ्रेंडली गणपति जी कैसे बनाते हैं, आप अपने ही घर की मिट्टी में से कैसे गणपति जी बना सकते हो, या तो फिर अपने आसपास जो नर्सरी होती है, फार्म होते हैं, उसमें से मिट्टी लाकर कैसे क्लीन करके आप गणपति जी बना सकते हो, उसकी सारी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियो ऑलरेडी पार्ट वन में अपलोड की है। और पार्ट टू कल मैं अपलोड करूँगी, जिसमें कलर कैसे करते हैं और ये सारे डेकोरेशन मैंने कैसे किया वो सब आप देख सकोगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये मैंने 24 आवर्स के बाद कलर एंड अदर डेकोरेशंस मैंने स्टार्ट किए।